नमस्कार, एसडीएमसी प्राइमरी स्कूल लाजपत नगर 3 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। यह स्कूल पीपल के साथ साझेदारी में चलता है। हमारे स्कूल में आप सभी का स्वागत है। अपने बच्चे का दाखिला सफलतापूर्वक इस स्कूल में करवाने के लिए बहुत सारी बधाई। यह आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी बात है। कोरोना के चलते कुछ महीनों के लिए स्कूल बंद किए गए हैं, पर बच्चों का सीखना और पढ़ना जारी है। इस आपदा के चलते अपने बच्चे के साथ बिताने वाले समय को अवसर के रूप में लें और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। स्कूल के प्रधानाचार्य श्री श्रीनिवास तिवारी जी से मिलते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एसडीएमसी स्कूल लाजपत नगर 3 का प्रधानाचार्य एसएन तिवारी बोल रहा हूँ। सभी माता पिता जो भी अपने बच्चों का एडमिशन हमारे विद्यालय में करा दिए हैं, उन सबको विद्यालय परिवार की तरफ से विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कूल संबंधी कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। जो भी सुविधाएं हम बच्चों को दे सकते हैं उसके बारे में मैं आपके बीच शेयर करता हूं। हमारे विद्यालय में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकें, कापियां, रबड़, पेंसिल इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ वर्दी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भी दिए जाते हैं, जो पैसे डायरेक्ट हम बच्चों के खाते में भेजते हैं। इसलिए बच्चों का खाता भी खुलवाना आपके लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ स्कूली शिक्षा के साथ हम बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और समय समय पर अन्य तरह की जो भी ज़रूरतमंद शिक्षा है वो बच्चों को देते रहते हैं। इसके साथ स्वास्थ्य परीक्षण भी समय समय पर हमारे डॉक्टर गवर्नमेंट की तरफ से आते रहते हैं और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करते रहते हैं। जिन बच्चों को आँख की शिकायत, कान की, नाक की, गले की या एनीमिया संबंधी कोई अगर बीमारी होती है तो उसको भी निःशुल्क डॉक्टर इलाज करके उसका निवारण करते हैं। इस समय आप लोगों ने देख ही रखा है कि देश में वर्तमान स्थिति क्या है। उसके लिए अभी हमारे बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए हम टीचरों को ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था हमारे शिक्षक कर रहे हैं, जो सभी बच्चों को मोबाइल के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा सभी बच्चों को शिक्षण करा रहे हैं। इसलिए आपके पास मोबाइल का भी होना अति आवश्यक है, तभी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ मिड डे मील, दोपहर का जो भोजन मिलता है, वो भी हमारे विद्यालय में बेहतर से बेहतर भोजन बच्चों को हम दिलवाते हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पूर्णतः हम प्रतिबद्ध रहते हैं। हमारे शिक्षक बहुत ही मेहनती, बहुत ही योग्य और बहुत ही जुझारू, जो बच्चों से लगाव बहुत ही उनका अच्छा रहता है और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। आप सब ने हमारे विद्यालय को ही चुना, हमारे विद्यालय ने बच्चों को एडमिशन कराया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी भरपूर प्रयास करेंगे कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर हमारे विद्यालय से जाएं, जिससे आपके बच्चों का भी नाम रोशन हो और हमारे विद्यालय का भी नाम रोशन हो। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बच्चे का दाखिला स्कूल में हो गया है तो बच्चे को कुछ मुख्य विषय पढ़ाए जाएंगे। गणित यानी कि मैथ्स बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए अलग अलग उपकरणों और गतिविधियों से करवाया जाएगा। इंग्लिश फोनिक्स से और हिंदी भी वर्णों की ध्वनि, कहानियों और अन्य गतिविधियों की मदद से पढ़ाया और लिखाया जाएगा। हमने बच्चों को इन तरीकों से बहुत सारी चीजें सीखते हुए देखा है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, इसीलिए
हमने बहुत सूझबूझ से पाठ को दो हिस्सों में बांट दिया है, वीडियो और वर्कशीट। कक्षा शुरू करने के लिए टीचर बच्चे को एक वीडियो भेजेगी और तुरंत उसके बाद करने के लिए एक वर्कशीट भी भेजेगी। साथ ही साथ टीचर बच्चों को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल से भी पढ़ाएंगी। क्योंकि बच्चा पहली बार डिजिटल शिक्षण के साथ जुड़ रहा है, इसीलिए यह कदम बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले शिक्षक द्वारा पहला कदम लिया जाएगा व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने का। वह आपके साथ व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाएंगे, फिर आपको होमवर्क भेजा जाएगा और कक्षा का यानी कि ऑनलाइन वीडियो कॉल का समय भी बताया जाएगा। उसके बाद आपके बच्चे का होमवर्क जो कि उसने वर्कशीट को देखकर किया होगा उसे चेक किया जाएगा। सबसे जरूरी कदम, कदम चार, ऑनलाइन कक्षा। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर टीचर अपने दो या तीन बच्चों के साथ ऑनलाइन कक्षा करती है। हफ्ते में तीन दिन वह 15 से 20 मिनट के लिए ऑनलाइन कक्षा करती है ताकि बच्चे की सभी दुविधा को हटा सके। ध्यान से देखिए किस तरीके से टीचर्स बच्चों के पेरेंट्स के साथ जुड़ी हैं। इसे डिजिटल पालक अनुमुखीकरण या फिर पेरेंट ओरिएंटेशन कहा जाता है। यही आपके बच्चों के लिए कुछ समय में टीचर करेंगी। इससे पेरेंट्स यानी कि पालक टीचर के साथ अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं और यदि कोई परेशानी आ रही है तो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। बच्चे के विकास के लिए शुरुआती साल बहुत ही जरूरी होते हैं, इसीलिए ऑनलाइन कक्षा के साथ साथ हम घर में कराने हेतु कुछ सुझाव दे रहे हैं। इन्हें अपने बच्चों के साथ जरूर ट्राई करिएगा। टीचर्स समय समय पर आपको और भी उपकरण बताती रहेंगी। यहाँ पर देखिए, बच्चा मैदे के गूंदे हुए आटे के साथ कुछ अलग अलग चीजें बना सकते हैं, या फिर नमक, रेत या मिट्टी में सिखाए गए लेटर्स को या वर्णों को लिख सकते हैं। बच्चों के साथ गाना बजाना, पोएम सुनना, कहानियां सुनना ही बहुत ही जरूरी है। इनसे उनका रिदम डेवलप होता है और साथ ही साथ उनकी रुचि भी बढ़ती है। आप उन्हें राजमा, चावल, दाल इन सबको अलग अलग करने के लिए कह सकते हैं और साथ ही साथ इनको गिनने के लिए भी कह सकते हैं। रंगों के बारे में जानकारी बहुत ही जरूरी है। अलग अलग बटनों को मिक्स करके बच्चों को रंग के अनुसार अलग अलग करने के लिए कहिएगा। और सबसे जरूरी बात, कहानियां। जी हाँ, आपने अपने बचपन में जो कहानियां सुनी है वो अपने बच्चों को जरूर सुनाइए, समय बिताइए। और अगर आपको नहीं मालूम है तो आजकल तो YouTube का सहारा लेकर आप बहुत सी कहानियां देख सकते हैं और बच्चों को सुना भी सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, बच्चे के लिए शुरुआती साल बहुत ही जरूरी है उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास करने के लिए। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक विकास भी उतना ही जरूरी है। माता पिता से अनुरोध है कि वे अपने बच्चे के साथ रोजाना वक्त बिताएं। जी हाँ, उनसे बात करें, उनके दिन के बारे में पूछें, उन्हें अपने बारे में भी बताएं। अगर दिन में कुछ परेशानियां आई हैं, उनको अपने बच्चों के साथ साझा करें। इससे आपका बच्चा भी अपने मन की बात आपके साथ साझी करेगा। उनको कहानियां सुनाएं। कहानियां सुनते हुए बच्चे को अपनी जिंदगी की बहुत सारी चीजें कहानी के रूप में ही समझ में आ जाती हैं। उनके साथ खेलें, थोड़ा समय बिताएं। बच्चे के विकास के लिए माता पिता और स्कूल को साथ में मिलकर चलना होगा। दोनों को एक दूसरे को सहयोग देना होगा। बच्चों का काम समय से करवाकर स्कूल ग्रुप में भेजना है। ऑनलाइन कक्षा का समय याद रखना है और कक्षा से 10 मिनट पहले ही इंटरनेट ऑन कर लेना है। भेजी गई वीडियो को बच्चे को पहले से ही दिखा कर रखें, नोटबुक और पेंसिल के साथ फिर तैयार रखें। यदि किसी कारण से बच्चा कक्षा में भाग नहीं ले पा रहा तो खुद से अध्यापक को फोन कर समय से पहले ही सूचित कर दें ताकि आपके लिए एक नया समय चुना जाए। यह सब चीजें ऑनलाइन कक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जब आपका बच्चा स्कूल में आना शुरू कर देगा
तो आपको और भी चीजें बताई जाएंगी। ट्रिंग ट्रिंग, कुछ ही देर में आपके बच्चे के शिक्षक आपको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करेंगे। अभी आपने तस्वीरें देखी थी ना? कृपया अपना फोन और इंटरनेट चालू रखें व अपने सवालों के साथ तैयार रहें। आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे। टीचर्स भी बहुत उत्सुक हैं आपसे बात करने के लिए। आपके समय के लिए धन्यवाद।